हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरआरए फूड ब्लॉग में। तो प्रयागपुर की एक ऐसी शॉप जहां सब कुछ आपको मिल जाएगा। और ये देखिए हमारे चाचा जी, मूछ एकदम जबरदस्त इनकी रहती है। गिरीश पांडे। तो सब कुछ बना लेते हैं आप? बना लेते हैं। हाँ, ऑलराउंडर हैं हम। अच्छा, बिजनेस में काम करके आए हैं। कहाँ कहाँ काम किए? नेपाल काम किए, बम्बई काम किए, दिल्ली काम किए, फिर प्रयागपुर आ गए। बात कर रहे हैं और ये देखिए पकौड़ी बनती जा रही है। तो क्या क्या चीजें आपके यहाँ बनती हैं पहले बताइए। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बनती हैं। हालांकि यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है। और ये देखिए इमरती, ये मोदी जी का फेवरेट डिश है। और ये भी यहाँ पे समोसा। क्या क्या बनता है बाबू? भजिया, इमरती, पकौड़ी, इमरती। तुम्हारी शॉप है? हाँ। अच्छा, हमारे अंकल का है। अच्छा, तो यहाँ देखिए ये गुजिया कब बनी है? अभी अब्दुल। तो क्या क्या चीजें डाले हो इसमें? खोवा है, करी है, नारियल है, किशमिश है, बादाम है। यहाँ पे फास्ट फूड का तो सारा चीज मिल जाता है, लेकिन जो है खाना होना चाहिए, अगर खाना रहे लोगों को। तो अभी तक प्रयाग में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। नहीं, व्यवस्था हो गया है सर, वहाँ मंडी है, गल्ला मंडी के अगल बगल में। अच्छा, ढाबा वगैरह खोले गए हैं। अच्छा, खाना शुद्ध शाकाहारी मिल जाता है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या है? इसका रेट है पकौड़ी का आपका? पकौड़ी तो हम लोग बहुत सस्ती बेचते हैं, 10 रुपए की 10 पीस दे देते हैं, समोसा 10 रुपए का 3 देते हैं। अच्छा, 7 रुपए में बेच देते हैं, ब्रेड पकौड़ा 7 रुपए में। यानी हमारा मार्केट से 2 रुपए सस्ता सामान है, क्योंकि हमारी स्वयं दुकान है, स्वयं बनाते हैं, इसलिए 2 रुपये सस्ता पड़ता है। तो ये जो ब्रेड पकौड़ा, पकौड़ी और गुजिया, समोसा, इमरती सब बनी हुई है, ये डेली बनती है या कोई मेला वाला? हमारी दुकान 9 बजे खुलती है, रात को 9 बजे बंद होती है। कोई भी सामान बचता नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, हाँ, हमारा कोई होटल नहीं है। अच्छा, कैंटीन के साथ थोड़ा बनाते हैं और बेचकर शाम को, क्योंकि हमारे रखने का कोई जगह नहीं है। अच्छा अच्छा, आज सुबह बनाते हैं, शाम को खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी खासी भीड़ लगी रहती है। आप क्या लेने आए हैं, क्या खाने आए हैं? पानी से मिलने आए हैं। अच्छा, पानी से मिलने आए हैं, तो मिलिए। हम यहाँ पे क्या कुछ खाने आए हैं यहाँ पे आप? हाँ, हमें अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे जो समोसे हमें मिले 10 के 3 मिलते हैं, तो हमें यहाँ पे क्वालिटी। अच्छा, सस्ता मिलता है इसलिए आते हैं? नहीं, क्वालिटी है इसकी वजह से। अच्छा, क्वालिटी है इसलिए हम कहें सस्ता मिलता है तब आते हैं। सस्ते की बात नहीं, क्वालिटी की बात है, इसलिए मैं आता हूँ। और क्या चीजें अच्छी हैं यहाँ पे आते हैं? हमें यहाँ की इमरती अच्छी लगती है, और जो गुजिया बनाते हैं वो भी अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे समोसे तैयार किए जा रहे हैं। लाल मिर्चा खूब दबा के डाले हैं क्या? थोड़ा स्वाद के लिए सूखा मिर्चा हम लोग अपने यहाँ भून करके और आलू में मिलाते हैं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे खूब बढ़िया से इनको पूरा सिंहासन दे दिए हैं। ये देखिए पुराने अंग्रेजों के जमाने के जो है अलमारी रखी हुई है, और इसपे इनको बैठा दिया गया है। सबसे बड़ा पद इनको मिले चाचा जी को, बढ़िया से बैठ के समोसा बना रहे हैं। तो एक समोसे का क्या रेट है आपके यहाँ? 10 रुपए का 3 पीस देते हैं। 10 रुपए का 3 पीस। ये देखिए समोसे इनके देख सकते हैं, और चटनी भी है साथ। और चटनी है, चाय है। क्या ये सौंठ वाली चटनी है क्या? नहीं, सॉस वाली। मैदा वाली। कैसा टेस्ट है इसका समोसे का? अच्छा अच्छा है कि बस ऐसे ही बोल रहे हैं कैमरे के सामने? लाजवाब। ये देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की फेवरेट चीज इमरती यहाँ पे देखिए बन के तैयार हुई है, एकदम ताजी ताजी। इस चटनी में क्या क्या चीजें पड़ी हैं? पका टमाटर डालते हैं,
पका टमाटर और जीरा और कलौंजी डालते हैं। जीरा कलौंजी कड़वा तेल से बघारते हैं। अच्छा, इसको कड़वा तेल से बघारते हैं। जैसे टमाटर सॉस बनता है वैसे बना लेते हैं। अच्छा, मजा आ रहा है समोसा खाने में भैया? बहुत मजा आ रहा है। तो देखिए, गिलास में सर्व किया जाता है चटनी को और 10 रुपए में 3 समोसे। आज के महंगाई के समय में आपको 10 रुपए में 3 समोसे मिलते हैं। समोसे काफी जबरदस्त होते हैं, ये देख सकते हैं, बहुत टेस्टी समोसा रहता है। ये ब्रेड पकौड़े जो कि ताजे ब्रेड में एकदम बनाए जाते हैं यहाँ पे, ये एकदम ताजी गुजिया। ये लौंग लत्ते भी रखे हुए हैं। ये समोसे 10 के 3 मिलते हैं। और यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं आप कि किस तरीके से भीड़ लगती है। और भैया एकदम खाली, 1 मिनट भी नहीं रह रहे हैं। तो प्रयागपुर में ये शॉप आपको मिल जाएगी जहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा और अच्छी खासी क्वालिटी में मिल जाएगा। ये हमारे पांडे जी हैं जो सब कुछ यहाँ पे बनाते हैं। तो थोड़ा सा एड्रेस बताइए कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर वो आपके यहाँ आना चाहते हैं। ये हमारा दुकान प्रयागपुर बसड्डा इकोना रोड के नाम से मशहूर है, पांडे जी समोसा वाले जी। हाँ, जो मोच वाला निशान है। हाँ हाँ, वही हमारी दुकान है। हाँ वाह। तो दोस्तों, पांडे जी बहुत ही दिलचस्प इंसान है। अगर आप लोग बहराइच में हैं तो इनसे आके मुलाकात करें और इनके यहाँ के आके 10 में 3 समोसों का आनंद आप लोग जरूर लें। और ये देखिए चटनी पैक करने का क्या यहाँ पे तरीका है। तो ये शॉप के बाहर का लोकेशन आप देख सकते हैं, संजय मेडिकल हॉल के बगल में ही ये शॉप है। ये देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। और ये इकोना रोड, यहाँ से श्रावस्ती रोड है आपको, जिला श्रावस्ती 32 किलोमीटर पे ही मिल जाएगा। दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।